ईरान, जिसे हम अक्सर टाइगर अभी जिंदा है के तौर पर देखते हैं, एक ऐसा देश है जो अपने स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल पावर से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाता है। लोकेटेड इन द मिडल ईस्ट, ईरान ना सिर्फ अपनी पावरफुल मिलिट्री कैपेबिलिटीज के लिए जाना जाता है, बल्कि मेजर मुस्लिम पावर के रूप में भी वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस देश की स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और अपनी कल्चरल हेरिटेज पर गर्व इसे खास बनाती है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे ईरान, जो इस वक्त एक चैलेंजर की तरह सामने खड़ा है, वैश्विक मंच पर अपनी ताकत दिखा रहा है। दोस्तों, एक बार सद्दाम हुसैन ने कहा था कि ईरान एक ऐसी पजल है, ईरान एक ऐसी पहेली है जिसे समझ पाना आसान नहीं है। और ये सच भी है, क्योंकि दोस्तों अगर ईरान इतना कमजोर होता तो शायद दुनिया इसे खत्म कर चुकी होती। लेकिन ईरान ने उस वक्त भी अमेरिका को धूल चटाई जब बाकी सारी दुनिया अमेरिका के सामने झुक रही थी। दुनिया में 57 से ज्यादा मुस्लिम देश है, लेकिन ईरान का असर अमेरिका पर इतना गहरा और अलग है। ईरान ने अपनी ताकत और साहस से ये साबित किया कि वो किसी से भी कम नहीं है, खासकर जब गाजा के मुद्दे की बात आती है तो सऊदी अरब जैसे बड़े देश से भी ज्यादा विरोध ईरान ने किया है। ईरान हमेशा अपने हक के लिए खड़ा रहा है और अपनी आवाज उठाई है। ईरान की ये खासियत उसे अन्य मुस्लिम देशों से अलग बनाती है। इसीलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि ईरान की ताकत का असली राज क्या है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम बहुत ऐसे खुलासे करने वाले हैं जिनके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ईरान ने इसराइल पर हमला करके ये साबित कर दिया है कि वो सिर्फ बातें ही नहीं करता, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने रॉकेट से दुश्मनों की धरती हिला देता है। अगर मिडल ईस्ट में देखा जाए तो ईरान ही अकेला देश है जिसने इसराइल के विजय रथ को रोक रखा है। लेबनान से लेकर इराक, ईरान और आसपास के देशों में उसके लोग ही इसराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं, चाहे हमास को हथियार देने की बात हो या फिर मस्जिद अक्सा की हिफाजत की। हर जगह जो चेहरा नजर आ रहा है वो है ईरान का। ईरान के लिए फिलिस्तीन का मसला शिया और सुन्नी से काफी बड़ा है। वो इन देशों में सुन्नी संगठनों की भी मदद कर रहा है ताकि इसराइल को बाहर निकाला जा सके। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई पहले ही कह चुके हैं कि वो इसराइल की मौत तक नहीं रुकने वाले और इसराइल को अपने किए गए हर गुनाह का हिसाब देना होगा। लाखों लोगों की ये शहादत रायका नहीं जाएगी। दुनिया के किसी भी मुसलमान को, चाहे वो शिया हो या सुन्नी, गाजा के मुसलमानों की तकलीफ से गाफिल नहीं रहना चाहिए। हम सबका दुश्मन एक ही है और वो है अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, क्योंकि ईरान के अंदर वो ताकत है कि वो उसकी सत्ता को चुनौती दे सकता है। ईरान के अंदर वो ताकत है कि वो पूरी मुस्लिम दुनिया को एक कर सकता है। ईरान ने पिछले दिनों ऐलान किया है कि वो अफगानिस्तान, यमन, इराक, मिस्र और फिलिस्तीन जैसे मुस्लिम देशों के साथ मिलकर एक डिफेंस लाइन बनाना चाहता है, ताकि कोई भी बातिल ताकत मुस्लिम देश पर हमला ना कर सके। ईरान एक तरह से सभी देशों को मिलाकर एक मुस्लिम फोर्स बनाने की बात कर रहा है, और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ईरान इतना ताकतवर बन जाए कि वो आसपास के देशों की राजनीति को कंट्रोल करने लगे। ईरान अकेला मुस्लिम देश है दोस्तों जो आसपास के देशों को कंट्रोल करने की ताकत रखता है। ईरान के अधिकारी तो यहाँ तक दावा कर चुके हैं कि वो ईरान के तो मालिक हैं ही, साथ में वो 4 अरब देशों को कंट्रोल करते हैं, जिनमें इराक, मिस्र, लेबनान और सीरिया जैसे देश शामिल हैं। इन चारों देशों में ईरान ने हिजबुल्ला, हमास और हूथी जैसे छोटे छोटे संगठन खड़े कर दिए हैं कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला भी करना चाहे तो वो इनकी मदद से पूरे इलाके में तबाही मचा सकता है। अमेरिका हो या दुनिया की कोई भी सुपर पावर, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक साथ 10 मोर्चों पर युद्ध कर सके। ईरान की साजिश का आज भी किसी के पास काट नहीं है। बाकी अमेरिका की औकात कितनी है वो तो अफगानिस्तान ने पहले ही बता दी है। हालात दोस्तों ये है कि जो अमेरिका सालों तक अफगानिस्तान के तालिबान को आतंकवादी बताता रहा, बाद में उन्हीं को सत्ता सौंप कर भाग गया, यहाँ तक कि उसकी इतनी हैसियत नहीं रही कि वो अफगानिस्तान से अपना साजो सामान ले सके। आज उसी अफगानिस्तान के लोग अमेरिका से टेबल पर बैठकर बातें कर रहे हैं, जो तालिबान कल दुनिया के लिए आतंकवादी थे। आज ब्रिक्स की करेंसी पर सेंटर में उनकी तस्वीर छप रही है। अपने देश की आजादी के लिए लड़ने वाले हमास जैसे संगठन आज अमेरिका की नजर में दुश्मन हैं। लेकिन मुमकिन है कि कल अमेरिका खुद उन्हें इकीदा देता नजर आए, क्योंकि ईरान जिस ताकत से फिलिस्तीन का सपोर्ट करता नजर आ रहा है, उससे तो लगता है कि फिलिस्तीन जल्द ही आजाद हो जाएगा। ईरान किसी भी मामले में इसराइल से पीछे नहीं है। अगर अमेरिका इसराइल का साथ देना बंद कर दे तो ईरान अकेले इसराइल को मिट्टी में मिला सकता है।
इसराइल एक तरह से खाड़ी देशों में अमेरिका का एयरबेस है, जहां से वो मुस्लिम देशों के संसाधनों को लूटने का काम करता है, और ईरान इन मामलों में उसकी सबसे बड़ी रुकावट है। अगर कोई कदम उठाता है दोस्तों, तो अमेरिका उसकी ढाल बन जाता है। हालांकि अमेरिका में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ईरान पर डायरेक्ट हमला कर सके। ईरान कभी भी जल्दबाजी नहीं करता, लेकिन जब हमला करता है तो उसका जवाब विरोधियों के पास भी नहीं होता। ईरान में एक कहावत मशहूर है कि ईरान सियासत की कालीन बुनता है, यानी वो इतनी सब्र से काम लेता है कि विरोधी जान ही नहीं पाते कि ईरान का अगला कदम क्या होगा। फिर जब उसकी मैदान में एंट्री होती है तो दर्शक तालियां बजाए बगैर नहीं रह पाते। ईरान आज सभी मुस्लिम देशों में सबसे पावरफुल प्रॉक्सी संगठन रखने वाला देश है। उसके पास ऐसी ताकतें, ऐसी पावर्स हैं और ऐसे संगठन हैं जो चंद घंटों में ही पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख सकता है। अगर ईरान सिर्फ अपनी सरहदें बंद कर दे तो एक दिन में अमेरिका सहित पूरी दुनिया को लाखों करोड़ों डॉलर का नुकसान होगा, और कोई भी देश इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस ईरान पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई थी, वो किसी से हथियार नहीं खरीद सकता। आज वही ईरान दुनिया के 20 से अधिक देशों को अपने ड्रोन बेच रहा है। तजाकिस्तान, सूडान, इथियोपिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया जैसे देश उसके ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान ने जालिमों का मुकाबला करने के लिए उसके विरोधी देशों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कभी कहा था कि निसंदेह ईरान हमारे लिए खतरा है, क्योंकि उसका मकसद हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग साथी इसराइल को बर्बाद करना है। ये दुनिया के अमन और हमारे गठबंधन के लिए खतरा है। मैं खुले तौर पर यह साफ कर देना चाहता हूँ कि अगर इसराइल को कोई भी खतरा हुआ तो हम उसकी हिफाजत के लिए अपनी पूरी मिलिट्री और सैन्य शक्ति झोंक देंगे। दोस्तों, ईरान विश्व पटल पर हर दिन अपनी धाक जमाता जा रहा है। इस वक्त मुस्लिम देशों में ईरान पॉपुलेशन के मामले में पहले स्थान पर है, जहाँ तक कि सऊदी अरब के अंदर भी ईरान को लेकर लोग बातें कर रहे हैं। अब तो सऊदी अरब भी फिलिस्तीन के मुद्दे पर खुलकर ईरान का सपोर्ट करता नजर आ रहा है। ईरान हर जगह इसराइल को घेर रहा है। पिछले दिनों ईरान की शरीफ यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर्स ने दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों के नाम खत लिखा है। मुसलमानों के बाद जिस देश ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया, उसका नाम ईरान है। दोस्तों, लेबनान में लड़ने वाले सिपाही हों या फिर हमास के लीडर, हर किसी को ईरान का सपोर्ट हासिल हो रहा है। अरब और ईरान में सालों से वर्चस्व की लड़ाई चलती रही है, लेकिन इस बार सऊदी अरब ने भी साफ कर दिया है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देगा। इसराइल को लगता है कि वो बड़ी आसानी से अपने ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को पूरा कर लेगा और गाजा से मुसलमानों का खात्मा कर देगा, लेकिन उसे याद रखना चाहिए कि जब तक ईरान मिडल ईस्ट में मौजूद है, तब तक उसकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। इसराइल को याद रखना चाहिए कि टाइगर अभी जिंदा है, ईरान अभी जिंदा है। वैसे ईरान के बारे में आपका क्या विचार है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।